नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक बजाज पल्सर 180 है। 180 हो या 150 हो, आज हम इसकी वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वायरिंग जो है इस बाइक की जो है लगभग सेम ही होती है। तो ये मेरे पास एक डिजिटल मॉडल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मीटर है ये डिजिटल है। मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई आप हमें पल्सर 150 की वायरिंग बताइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो भाई ये जो डिजिटल बाइक है इसकी वायरिंग करने में घबराते हैं। उनको इसकी वायरिंग समझ नहीं आती कि कैसे काम करती है, कौन सी तार क्या काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पल्सर 150 और 180 की जो वायरिंग है वो कैसे काम करती है। मैं आपके आपको एक एक तार के बारे में बताऊंगा, क्या तार है, क्या काम कर रही है, और यदि वो तार कट जाए या टूट जाए तो क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है ये जो वायरिंग है ये 2-3 स्टेप में पूरी हो, लेकिन आप वीडियो फिर भी पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और इसकी वायरिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वायरिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो होता है, हमारी जो पल्सर बाइक होती है उसमें दो तरह के गुच्छे लगे होते हैं। एक गुच्छा जो होता है वो राइट साइड से आता है ऐसे, उसमें भी काफ़ी तारें होती हैं आप देख सकते हैं। और एक जो तारों का गुच्छा होता है वो यहाँ पर होता है, जो यहाँ से लेफ्ट साइड से आता है, उसमें भी काफ़ी तारें होती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले शुरुआत करते हैं हम राइट साइड से। तो राइट साइड में सबसे पहले वायरिंग हम लेते हैं वाइट रंग की। तो ये जो हमारा स्विच है इसमें वाइट रंग की तार लगी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो वाइट रंग की तार होती है वो किस चीज़ की होती है मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत यहीं से होती है। तो वाइट रंग की जो तार होती है वो फ्रेंड्स होती है हमारा जो बैटरी होता है, बैटरी पर जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट पे ये देखिए यहाँ पर ये वाइट रंग की तार लगी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर इस तार के बीच में ये फ्यूज लगा होता है इस तरह, और फ्यूज से ये तार सीधी ऐसे आगे पहुंच जाती है डायरेक्ट यहां पर। ओके फ्रेंड्स, तो वाइट रंग की जो तार होती है वो डायरेक्ट बैटरी की होती है, जो बैटरी से आती है। ओके फ्रेंड्स, यदि ये तार कहीं पर भी कट जाएगी, ये वाइट रंग की जो तार ये वायरिंग से पीछे से आ रही है आप देख सकते हैं, जिसे जैसे मैंने आपको दिखाया बैटरी से आ रही है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो हैंडल है वो हिलता रहता है और ये वाइट रंग की जो तार होती है वो ऐसे कहीं पर कट जाती है। जैसे वाइट रंग की जो तार होती है तो ये तार कटने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ये मीटर होता है फ्रेंड्स, इसमें जो लाइट वगैरह चलती है वो कुछ नहीं चलेगा फ्रेंड्स, यदि व्हाइट रंग की तार कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो और ये व्हाइट रंग की तार एक जगह और होती है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट हमारे मीटर के अंदर लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ये सॉकेट लगी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर भी ये व्हाइट रंग की तार आपको देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये व्हाइट रंग की तार यहां पर क्या काम करती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब अपनी बाइक का सेल्फ वगैरह लगाते हैं तो हमें कई बार यहाँ पर मीटर के अंदर एक बैटरी का निशान दिखाई देता है, जो हमें बताता है कि भाई आपकी जो बैटरी है वो लो हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो वो निशान तब आता है जब आपकी जो बाइक में जो बैटरी जो है वो 10 वोल्ट से कम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको एक निशान दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, कई बाइकों में वो बैटरी का निशान यहाँ भी दिया होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो वो मॉडल के ऊपर डिपेंड है, इस बाइक में यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वाइट रंग की तार यहाँ पर होती है जो मीटर के अंदर जाती है वो हमें बैटरी लो का बताती है कि हमारी बाइक जो बाइक की बैटरी है वो लो हो चुकी है। ये तार भी इसी तार के द्वारा कनेक्ट होती है फ्रेंड्स, ये घूम के ऐसे आती है और सीधा हमारे मीटर के अंदर भी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो दूसरी तार है फ्रेंड्स इसमें ब्राउन रंग की। ब्राउन रंग की तार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारी बाइक का स्विच ऑफ है और हम अपनी बाइक का जो स्विच है वो ऑन करते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपने बाइक का स्विच जो ऑन करते हैं तो ऑन हो जाने पर जो करंट है, हमारी जो वाइट तार का बैटरी करंट था वो अब ब्राउन तार में चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको जहां भी, जैसे यहां पर ये बीसीयू के अंदर ये ब्राउन तार है यहां पर, और यहाँ पर भी ये ब्राउन तार लगी है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्राउन तार लगी हुई है। ओके फ्रेंड,
तो जहां भी आपको ब्राउन रंग की तार दिखाई देगी तो वहां आपको 12 वोल्टेज मिलेगा ही, जैसे आप ये स्विच को ऑन करेंगे तो उस ब्राउन रंग की तार जहां जहां भी आपको देखेंगे वहां पर जो है वो 12 वोल्टेज पहुंच जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये दो तारें हो गई जो होती है बैटरी की, पहले व्हाइट में कनेक्ट होता है और फिर स्विच लगाने के बाद ब्राउन में चला जाता है। तो अब इसमें जो दूसरी तार है वो है ब्लैक और येलो, दो रंग की तार है आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये होती है हमारी कॉमन वायर, अर्थिंग की तार होती है फ्रेंड्स, जो हमारा जो ये बैटरी का सिस्टम होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये इसकी तार होती है फ्रेंड्स, ये हमारी जो इंजन होता है उसके साथ अर्थिंग की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो तार होती है वो अर्थिंग की होती है, जहाँ भी आपको ये पीली और ये काले रंग की तार दिखाई देगी कहीं भी वायरिंग के किसी भी हिस्से में, ये काफ़ी जगह होती है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ भी है तो और यहाँ भी है, मतलब जहाँ देखेंगे आपको दिखाई देगी, यहाँ भी आप देख सकते हैं बीसीयू के अंदर भी है, तो जहाँ भी ये तार आपको दिखाई देगी तो ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कॉमन वायर है। ओके फ्रेंड्स, जो दूसरी तार है इस स्विच के अंदर, ये जो हमारा स्विच है इसके अंदर एक तार और है फ्रेंड्स, ये है ब्लैक और इसमें है वाइट रंग, दो रंगों की तार है ब्लैक और वाइट। ओके फ्रेंड्स, ये है वो तार। तो फ्रेंड्स ये तार क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी बाइक स्टार्ट है, हम जैसे इसको स्विच जो ऑफ करते हैं तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो अर्थिंग की तार है ब्लैक और येलो वाली, तो ये जो तारें हैं आपस में ऐसे मिल जाती हैं, इस स्विच के अंदर मिल जाती हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और हमारी जो बाइक है वो बंद हो जाती है, जब हमारी बाइक बंद होती है तो वो इसी तार की वजह से फ्रेंड्स बंद हो जाती है, जो ये ब्लैक और वाइट रंग की तार है, ये तार पीछे जाती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और कई बार क्या होता है ना, आप जब अपनी बाइक का स्विच ऑफ करते हैं तो आपकी बाइक बंद नहीं होती, तो होता क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हैंडल के पास ये तार कहीं पर यहाँ पर कट जाती है, इस हिस्से में कटने के बाद आपकी बाइक जो है वो बंद नहीं होती, तो आपको इसी तार को चेक करना होता है। अब ये तार आती कहाँ जाती कहाँ से है वहाँ पर, तो वो जाती है फ्रेंड्स हमारे CDI यूनिट से, आप देख सकते हैं ये CDI यूनिट के अंदर एक तार लगी है ये वाली। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक और वाइट, तो यहाँ से ये तार सीधे जाती है आगे, कहीं भी रास्ते में तार कट जाएगी तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी इस स्विच के द्वारा, तो आपको इस तार को चेक करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगली सॉकेट की। तो अगली सॉकेट जो इस वायरिंग के अंदर है वो आप देख सकते हैं ये है, इसके अंदर दो तारें दी गई हैं फ्रेंड्स, एक ब्राउन रंग की, ब्राउन रंग का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 12 वोल्टेज की तार है बैटरी की तार, जो स्विच ऑन होने के बाद आती है। अब इसमें दूसरी जो तार लगी है वो है ब्लू रंग की। अब ये ब्लू रंग की तार जो होती है वो क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी बाइक में यहाँ पर एक ब्रेक स्विच लगा होता है फ्रेंड्स, हो गए फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप अपनी बाइक तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ये जो ब्रेक लीवर होता है उसको दबाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। वो जैसे अब आप देखिए ये जो आपकी जो बैक लाइट है वो नहीं चल रही, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप ब्रेक पैडल दबाएंगे, आप देख सकते हैं ये ब्रेक पैडल है हमारा, और जैसे हम इसको दबाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स हमारी जो बैक लाइट है वो चलने लगती है, आप देख सकते हैं ये ब्रेक दबाया और ये चलने लगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये चल कैसे रही है फ्रेंड्स, वो चल रही है फ्रेंड्स उसी ब्लू तार की वजह से, जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू रंग की तार यहाँ पर पहुँच जाती है, उसका जो करंट है वो यहाँ जाता है सीधा हमारी जो बैक लाइट है उस पर। ओके फ्रेंड्स, तो जो सॉकेट आगे थी वो हमें यहाँ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही सॉकेट जो है फ्रेंड्स जैसे आगे ब्रेक स्विच में फ्रंट ब्रेक स्विच होता है, वैसे ही पल्सर में यहाँ पर ये आपके सामने है ये स्विच दिया होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम ब्रेक को दबाते हैं इसमें जो स्प्रिंग दिया गया है ये वाला, ये स्प्रिंग खींच जाता है ये वाला। ओके फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग खींच जाता है और आपकी बैक लाइट जो बाइक की बैक लाइट है वो जल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ब्लू वायर। ओके फ्रेंड्स, ये दो सॉकेट कंप्लीट हो गया, अब करते हैं अगली तार की बात। तो फ्रेंड्स इसमें
अगली जो तार है वो ये है सॉकेट। इस सॉकेट में दो रंगों की तार लगी है, आप देख सकते हैं। इसमें एक लगी है ब्लैक और येलो रंग की, जो एक अर्थिंग है, और दूसरी तार लगी है वाइट और रेड कलर की। हो गया फ्रेंड्स, तो ये वाइट और रेड रंग की जो तार है ये वाली, तो ये क्या काम करती है, कहाँ जुड़ी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जाती है फ्रेंड्स हमारा जो ये स्विच होता है ये वाला, जब हमें बाइक को बंद करना होता है तो हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो तार मैंने आपको दिखाई है ये ब्लैक तार के साथ जो है वो अर्थिंग हो जाती है ये वाली तार, और आपकी बाइक बंद हो जाती है। अब ये तार कहाँ से आती है, कैसे इंजन को बंद कर देती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स वो आती है यहाँ से, हमारा जो CDI यूनिट है यहाँ पर ये तार लगी होती है, देखिए वाइट और रेड कलर की तार। तो फ्रेंड्स ये जो तार होती है वो होती है हमारे जो यहाँ पर मैग्नेट डाला होता है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है पिकअप कॉइल, ये तार उसी की होती है फ्रेंड्स। जैसे ही वो अर्थिंग हो जाती है तो आपकी बाइक जो है वो करंट, जो प्लग में करंट जाता है वो बंद हो जाता है और आपकी बाइक बंद हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका यही काम था इस तार का जो मैंने आपको दिखाई। तो फ्रेंड्स ये हो गई 3 सॉकेट कंप्लीट, और अब करते हैं अगली सॉकेट की बात। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस वाली सॉकेट की। तो इस सॉकेट में जो तारें हैं वो सीधी जा रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं फ्रेंड्स। चलिए यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहली तार है आप देख सकते हैं ये ब्राउन है, और ब्राउन में जो है वो हल्का सा ब्लैक रंग भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये दो रंगों की तार है फ्रेंड्स, ब्राउन और ब्लैक। तो ये कहाँ जाती है और क्या काम करती है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तार जो होती है, जैसे हमारी बाइक का स्विच ऑन है, आप ये हॉर्न बजाते हैं ना, तो ये हॉर्न जो बज रहा है इसी तार की वजह से ही बज रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है वो तार ब्राउन और ब्लैक। ओके फ्रेंड्स, इसमें पॉजिटिव करंट आ जाता है और आपका हॉर्न जलने लगता है, बजने लगता है। और ये जो दूसरी तार लगी है हॉर्न में, ये देखिए ब्लैक और येलो है, जो अर्थिंग की तार है। अब इसको अर्थिंग इस तार से मिल गया और ब्राउन और ब्लैक तार से इसमें आ गया पॉजिटिव पॉइंट, और ये बजने लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तार का भी आपको पता लग गया फर्स्ट वायर की। अब जो दूसरी तार है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर येलो, सॉरी रेड और वाइट। ओके फ्रेंड्स, अब ये रेड और वाइट रंग की तार है, इसका क्या काम है इस तार का, तो मैं आपको बता देता हूँ ये तार कहाँ से कहाँ जाती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये होती है, जैसे ही हम अपनी बाइक का सेल्फ स्टार्ट करते हैं ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी बाइक का जो सेल्फ जो चलता है वो इसी तार की वजह से ही चलता है। ओके फ्रेंड्स, ये तार जाती है सीधी हमारे जो ये है, देखिए फ्रेंड्स वो तार रेड और वाइट जैसी मैंने आपको आगे दिखाई है, वो आती है इस सेल्फ रिले के पास। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर करंट आ जाता है इस तार में, रेड में और वाइट में, और हमारा रिले जो है वो कट लगा देता है और बाइक को स्टार्ट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, ये तार होती है सेल्फ की, जिससे हमारा बाइक सेल्फ उठाता है रेड और वाइट। तो यदि ये सेल्फ की तार कहीं रास्ते में कट जाती है फ्रेंड्स, तो आपकी बाइक सेल्फ नहीं उठाएगी, ये तार आपको चेक करना होता है रेड और वाइट। ये जो पहली तार मैंने आपको बताई ये हॉर्न की है, यदि कहीं भी ये हैंडल के पास कहीं पर ऐसे कट जाती है तो आपकी बाइक का हॉर्न नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये दो तारें हो गई, पहली जो थी वो हॉर्न की थी और दूसरी सेल्फ की। अब तीसरी तार जो है वो हरे रंग की है। हरे रंग की तार क्या होता है फ्रेंड्स, वो होती है जो आपकी, जब आप बाइक का लेफ्ट इंडिकेटर चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो जो आपकी बाइक का लेफ्ट इंडिकेटर चलता है ये वाला, ये तार इसकी होती है। अब आपको बाइक के अंदर, जैसे ये लेफ्ट इंडिकेटर है,
लेफ्ट इंडिकेटर की तार ये लगी है। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट इंडिकेटर में देखिए आप हरे रंग की तार है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आपको ये हरे रंग की तार दिखाई देगी ना फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा इस रंग को, हरे रंग की तार जहाँ जहाँ पर आपको दिखाई देगी वहाँ पर आपका जो लेफ्ट इंडिकेटर का करंट है वो आता है। जैसे ये लगा है यहाँ पर भी आपको एक हरे रंग की तार दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, लेफ्ट इंडिकेटर की। और अब एक जगह और होती है इस वायरिंग के अंदर भी है, देखिए हरे रंग की, जहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर की तार जो है वो जुड़ती है। ये दो तारें, ये अर्थिंग की और ये हरे रंग की इंडिकेटर की, जैसे मैंने आपको दिखाया ये दो तारें। ओके फ्रेंड्स, तो और एक और तार फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा जो ये सॉकेट है, मीटर का सॉकेट है जो हमारे मीटर में लगता है, जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, यहाँ पर लगता है ये। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी ये हरे रंग की तार दी जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये लेफ्ट इंडिकेटर की होती है, तो यहाँ पर ये इस मीटर के अंदर क्या काम करती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए ये आपको एक इंडिकेटर का साइनिंग दिखाई देगा, ये वाला। जैसे आप लेफ्ट इंडिकेटर चलाते हैं तो यहाँ पर ये हरे रंग का एक लाइट यहाँ पर जलने लग जाती है और आपको पता लग जाता है कि आपका जो इंडिकेटर है वो चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये जो लाइट जलती है वो इसी हरी तार की वजह से जलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हरे रंग की तार जहाँ दिखाई दे वो है हमारे लेफ्ट इंडिकेटर की। और आगे जो तार है फ्रेंड्स वो है, ये देख सकते हैं आप, ग्रे कलर की तार है जिसका हम स्लेटी तार भी बोल देते हैं। तो ये स्लेटी तार कहें कि फ्रेंड्स, ये तार होती है फ्रेंड्स हमारे राइट इंडिकेटर की। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम बाइक का ये जो राइट इंडिकेटर चलाते हैं राइट साइड का, ओके फ्रेंड्स, तो हमारी बाइक का जो राइट इंडिकेटर है, फ्रंट और रियर दोनों इंडिकेटर चलने लग जाते हैं। तो ये देखिए ये तार यहाँ पर होती है, जैसे हरे रंग की थी लेफ्ट इंडिकेटर की, ऐसे ये स्लेटी रंग की तार आपको जहाँ भी दिखाई देगी बजाज वाली बाइक में, इस पल्सर में, तो ये जो होती है हमारे जो राइट इंडिकेटर होता है उसकी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तार का ध्यान रखें, ये तार कहीं भी कट जाएगी, जैसे यहाँ पर कट गई, हैंडल पे कहीं कट गई, तो आपका जो इंडिकेटर है राइट वाला इंडिकेटर बंद हो जाएगा यदि स्लेटी कलर की तार कट जाती है। और यदि यहाँ पर हरे रंग की तार कट जाती है इस जोड़ के पास कहीं, तो आपका जो लेफ्ट इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा हरी तार से। तो ये हरी और स्लेट रंग की तार का विशेष ध्यान रखें। ये तार फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मीटर में जो सॉकेट जाती है, ये देखिए आप इस तार को यहाँ भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बीच में दी गई है एक तार, इन तारों के पीछे एक स्लेट रंग की तार है जो ऐसे इस सॉकेट में लगी होती है जो हमारे मीटर में जाती है। और मीटर में भी ये यहाँ पर ये सिग्नल जो है इंडिकेटर का वो दिखाई देता है हमें राइट इंडिकेटर से, तो ये लाइट यहाँ पर जलने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तार होती है राइट इंडिकेटर की, जो हमारा फ्रंट इंडिकेटर है राइट वाला, ये वाला जिसकी ये तार है। ओके फ्रेंड्स, ये तार भी है जो राइट इंडिकेटर में लगी होती है, जो होती है यहाँ पर आप देखिए ये वाली, ये अर्थिंग की तार है इंडिकेटर में लगेगी, और ये स्लेटी तार हमारे राइट इंडिकेटर में फ्रंट वाले भी। ओके फ्रेंड्स, स्लेट रंग की तार का ध्यान रखें, ये राइट इंडिकेटर की होती है। सिर्फ फ्रेंड्स कलर का ही है इस बाइक में, बाइक कोई भी हो कलर का ही होता है, यदि आपने कलर को समझ लिया तो आगे कुछ नहीं रहता। तो फ्रेंड्स ये चार तारें हो गई, अब पांचवी तार की बात करते हैं ब्राउन रंग की। ब्राउन रंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये होती है हमारी 12 वोल्टेज की जो स्विच से होके आती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आएगा हमारा 12 वोल्टेज बीसीयू के अंदर। तो अब ये जो अगली तार है ये आपको पता ही है, ये हमारी जो है ब्लैक और येलो रंग की तार, ये अर्थिंग की तार है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सॉकेट भी हमारी कंप्लीट हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो दूसरी सॉकेट है इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं पहले, ये जो बीच में इनके पीले रंग की तार लगी है इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है बीसीयू के अंदर। तो पीले रंग की तार कहाँ से आती है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, ये तार आती कहाँ से है, ये फ्रेंड्स पीछे जाती है, ये जो हमारा रेक्टिफायर लगा है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये तार जाती है। ओके फ्रेंड्स, पहले जो ये जो लाइट कॉइल की तार मैंने आपको बताई येलो और रेड, ये इसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद आगे जो सप्लाई जाती है ये जाती है हमारी पीले रंग से होती हुई सीधी लाइट को जलाने के लिए। ये जो आप ये लाइट जलाते हैं ना, ये वाली, तो ये जो लाइट आपकी जलती है वो इसी पीले रंग की मदद से चलती है,
यदि कहीं पर भी ये पीले रंग की तार कट जाएगी, यहाँ से जैसे जाती है पीछे जा रही है, यदि कहीं पर कट जाएगी तो आपकी जो बजाज की पल्सर बाइक है उसकी लाइट नहीं चलने वाली। तो आपको यदि लाइट बंद हो जाए तो इस पीले रंग की तार में करंट चेक करना होता है। हो गए फ्रेंड्स, और करंट यहाँ से चेक मत कीजिएगा, कई बार भी इशू खराब होने खतरा रहता है। तो आप इस सॉकेट को निकाल लीजिएगा और ये पीले रंग की तार को यहाँ पर आप करंट चेक कीजिएगा यदि लाइट आपकी बाइक की नहीं चले। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगली तार की बात करते हैं। आगे इसमें जो तार दी गई है फ्रेंड्स वो है लाल रंग की तार, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं है, केवल लाल रंग है। अब ये तार क्या काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी बाइक की अभी लाइट जो है वो बंद है, तो आपको जैसे शाम का वक्त हो गया, थोड़ा अंधेरा होने वाला है, कई बार हम इसको ऐसे एक पॉइंट इसका ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस पॉइंट से जो है जब हमारी बाइक स्टार्ट होती है, इस समय स्टार्ट नहीं है लेकिन यदि स्टार्ट हो जाती है तो हमारी जो ये बैक लाइट है वो लाइट चलने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो वो जो लाइट चलती है फ्रेंड्स वो इसी तार की मदद से चलती है, ये लाल रंग की जो तार आती है ये बैक लाइट पे जाती है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा इसका ध्यान रखें, जहाँ भी आपको लाल रंग की तार दिखाई देगी वहाँ पर जो होता है ये बैक लाइट का करंट आता है, जो रात के समय बैक लाइट हमारी चलती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तार और दी गई है लाल रंग की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल रंग की तार एक और है, ये तो बैक लाइट पे चली गई, अब ये कहाँ गई लाल रंग की तार। तो फ्रेंड्स, ये जो तार होती है लाल रंग की, ये जो छोटी लाइट है यहाँ पर, इसमें जो लाइट जलती है यहाँ पर, ये उसकी तार होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको पता लग गया लाल रंग की तार यहाँ से पैदा होती है, ऐसे फर्स्ट पॉइंट पर लाल रंग की तार में करंट आ जाता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये जो जैसे आप उस फर्स्ट पॉइंट को दबाते हैं लाइट के, तो इसके अंदर एक लाइट जल जाती है सारे मीटर के अंदर, तो वो भी इसी लाल रंग की तार की वजह से चल जाती है। वो तार भी, ये जो हमारा सॉकेट इस मीटर के अंदर लगता है, यहाँ पर भी आपको एक लाल रंग की तार देखने को ज़रूर मिलेगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लाल रंग की तार यहाँ पे दी गई है। ओके फ्रेंड्स, जो सीधी जाती है हमारे मीटर के सॉकेट में और हमारा मीटर जल जाता है, रोशनी देने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो लाल रंग की तार का ध्यान रखें, ये कोई बैटरी की तार नहीं होती, ये स्विच से ही पैदा होती है। तो अगली तार है फ्रेंड्स रेड, और उसमें है पीला निशान। अब ये तार क्या काम करती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ ये काम क्या करती है। फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो हाई बीम है हम उसको लो बीम में करते हैं, तो इस स्विच के द्वारा जो करंट पैदा होता है वो जाता है हमारी बाइक के हेडलाइट पर, और हेडलाइट में ये जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, ये वाला जो कैप के नीचे लगा होता है, ये इसे हम लो बीम बोल देते हैं, तो ये जलने लगता है। तो ये जो तार है जिसका मैंने आपको बताया रेड और येलो कलर की तार, ये हमारे लो बीम की होती है। ओके फ्रेंड्स, ये तार कहीं और कहीं नहीं होती, केवल लाइट को जो है लो बीम को चलाने का काम ही करती है, बाकी वायरिंग में आपको ये तार लगभग कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, और अगली जो तार है फ्रेंड्स वो है ब्लैक और रेड, दो रंगों की तार है फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा ब्लैक रंग है और रेड रंग है। यदि आपको मान लीजिए अब आपने जो अपना यहाँ से लो बीम किया था, अब जैसे आप हाई बीम करते हैं, तो हाई बीम का जो लाइट जलता है आपकी बाइक में, यहाँ पर ये पीछे वाला जो पॉइंट जलने लगता है, ये वाला, ओके फ्रेंड्स, वो जो पॉइंट जला है फ्रेंड्स वो देखिए, वो इसी तार की मदद से जला, यहाँ पर ये है वो तार, आप देख सकते हैं रेड, और इसमें दिया गया है ब्लैक निशान जो बीच में लगी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो हाई बीम का लाइट जलता है वो इसी तार की मदद से जलता है। और अब ये तार और कहाँ जाती है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये तार होती है फ्रेंड्स जाती है हमारा जो मीटर है, मीटर के अंदर भी तार जाती है, ये मैं आपको तार दिखा देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये है वो रेड और ब्लैक रंग की तार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको, ये वाली। ओके फ्रेंड्स, ये सीधी जाती है हमारे यहाँ से, ये जो मीटर की सॉकेट है, मीटर की सॉकेट में। आप सोच रहे होंगे अब इसमें मीटर में क्या इसका
फ़ायदा, तो मीटर में इसका फ़ायदा है फ्रेंड्स, मीटर में जब ये जैसे हम हाई बीम करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये निशान दिया गया है एक ये वाला, तो ये हाई बीम का निशान होता है फ्रेंड्स, जिससे पता लग जाता है आपकी बाइक का हाई बीम चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लाइट जलेगी वो इसी तार की वजह से जलेगी। यदि ये लाइट न जले तो आपको करना क्या होता है, ये जो तार इस मीटर के अंदर आती है आपको इसी तार में यहाँ पर करंट चेक करना होता है कि यहाँ पर ये जो इस तार में करंट आया नहीं लाल और काले तार में, तभी आपकी बाइक का हाई बीम चलेगा। ओके फ्रेंड्स, यदि तार कहीं कट जाएगी तो आपकी बाइक का हाई जो लाइट का हाई बीम होता है वो नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, लगभग अब सभी तारों का मैंने बता दिया है, ये जो इस साइड की तारें हैं वो शायद कोई तार नहीं बची, एक एक तार के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक सॉकेट और होती है फ्रेंड्स, जो आती है इस स्विच से, ये जो स्विच होता है डिजिटल स्विच है, इसके सॉकेट आती है सीधी हमारे बॉडी कंट्रोल यूनिट में आती है यहाँ से, तो इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए अलग पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा सबसे मुश्किल काम है इस बाइक में। मैं आपको उसमें ज़रूर बताऊंगा कि यदि आपके पास ये जो स्विच है ये ख़राब हो जाए, क्योंकि ये जो स्विच होते हैं वो स्पेशल होते हैं, मैग्नेट की वजह से ही ये स्विच जो है वो चलते हैं, तो इन्हें चेक करने का तरीका भी अलग होता है, तो मैं उसको भी आपको चेक करना बताऊंगा। आपको एक देसी जुगाड़ भी बताऊंगा, वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल हम कर लेते हैं, ये जो इधर की वायरिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट, यहाँ जो पूरा गुच्छा था। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी साइड की।